हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू जंबलिंग आउट सेंटेंसेज ऑफन आस्क्ड इन एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस को 6 पार्ट्स में ब्रेक करके दिया जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 6 बिल्कुल सही है, यानी सबसे पहला पार्ट आपको दिया होगा नंबर 1 में एंड लास्ट पार्ट दिया होगा नंबर 6 में। बीच के 4 पार्ट्स पी क्यू आर एस को जंबल्ड किया जाएगा और आपको उसे रीअरेंज करना है इन द राइट ऑर्डर। आइए, बहुत आसान तरीका है, मैं एकदम आसान से आसान तरीके में आपको समझाऊंगा कैसे इसको हम लोग पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को पढ़ लें। पार्ट 1 आपका है, देयर आर पीपल। अब जोड़िए कि इससे पीपल से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट होगा पी क्यू आर एस में से। तो आप एक एक पार्ट को पढ़ें। देयर आर पीपल टू बी एबल टू से, ये पार्ट लग सकता है। नॉट बिकॉज दे एंजॉय द बुक, ये इसके बाद नहीं आ पा रहा है। हु रेड अ बुक, Who read a book, यानी पार्ट आर आपके 1 के बाद आ सकता है। देखिए, दो दो पार्ट आपके साथ आए। There are people to be able to say, चलिए ठीक, able to say, चलिए ठीक है। There are people who read a book, आपका पार्ट एस है, but because they want, और want के बाद आ रहा है that they have to, that they have read it। तो वांट के बाद दैट क्लाउज तो आएगा नहीं, तो वांट के बाद आपका इन्फिनिटिव आना चाहिए, नहीं, वांट के बाद आपका पी आ रहा है। इसका मतलब पी आपका 1 के बाद नहीं बैठ रहा है। तो आइए हम लेते हैं आर को। देयर आर पीपल हु रेड अ बुक, यानी आपका 1 के बाद आर पहला हुआ, और आप आंसर के जो ऑप्शंस हैं उनमें देखिए तो R से आपके पास 2 है, एक C और एक D, यानी हमें दूसरा पार्ट भी पकड़ना होगा। चलिए, एक पार्ट तो पकड़ में आ गया। देयर आर पीपल हु रीड अ बुक नॉट बिकॉज दे एंजॉय द बुक, देखिए कंटिन्यूएशन है, नॉट बिकॉज दे एंजॉय द बुक, यानी R के बाद आपका Q आ रहा है, और R के बाद Q आपके पास नंबर D ऑप्शन है। सबसे पहले इसको मार कर लें। The right option, friends, is number D, R, Q, S, P. अब इसको arrange जो आपने किया है order R, Q, S, P में, इसको ध्यान से पढ़ लें। There are people who read a book. अब उसके बाद लाइए Q. Not because they enjoy the book. अब not because के बाद but आना चाहिए, तो number S में आइए, but because they want. अब तब आइए P पर, to be able to say. क्या नंबर 6 पे, दैट दे हैव रेड इट। बिल्कुल सही क्रम आपने पकड़ा है, आर एस आर क्यू सॉरी आर क्यू एस पी। सो देयर आर पीपल हु रीड अ बुक नॉट बिकॉज दे एंजॉय द बुक बट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी एबल टू से दैट दे हैव रेड इट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The part 1, Ashoka was successful. Part 1, Ashoka was successful. कहाँ? Where? तो by the cruelty and horrors of war. Where का जवाब नहीं दे रहा है। He was so disgusted. No, this is also not the right part to be added to part number 1. In his military operations, yes, Ashoka was successful. कहाँ? In his military operations, यानी R आपका 1 के बाद पहला पार्ट है,
आर से आपके पास ऑप्शन केवल एक है, नंबर ए। सबसे पहले इसको मार्क कर ले, सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स। इसके बाद एग्जामिनेशन में आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अशोक वाज सक्सेसफुल कहां? तो इन हिज मिलिट्री ऑपरेशंस। उसके बाद एंड अलोन अमंग कंकरर्स, यानी आर के बाद एस आ रहा है। ही वाज सो डिसगस्टेड, इतना दुखी हो गया था, क्षुब्ध हो गया था, दैट ही रिनाउंस्ड इट। सॉरी, ही वाज सो डिसगस्टेड किससे? बाय द क्रुएल्टी एंड हॉरर्स ऑफ वार, परिणाम दैट ही रिनाउंस्ड इट। सो आपका आर एस क्यू पी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री। इसके पार्ट वन में है सी हैड अंडरस्टूड। इसके बाद एक नाउन क्लॉज, समझ लिया था क्या, एक नाउन क्लॉज की स्थिति बनती है। आपका नाउन क्लॉज नंबर आर में है दैट गॉड हैड सेंट हर। ऐसे भी आर से आपका कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रूल आउट कर सकते हैं आप। लेकिन देखा जाए तो कब से, सबसे पहले टाइम आ रहा, ऐसा कब से हुआ? तो फ्रॉम हर अर्लीएस्ट चाइल्डहुड। आपका एस पहला हुआ, एस से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक नंबर ए और एक नंबर डी। तो आपको सेकेंड पार्ट तक पहुंचना है। तो अब तो स्पष्ट हो चुका, सी हैड अंडरस्टूड पार्ट एस फ्रॉम हर अर्लीएस्ट चाइल्डहुड, व्हाट, क्या समझ लिया था? तो नाउन क्लॉज आपका है दैट गॉड हैड सेंट हर, यानी वन के बाद आपका एस और एस के बाद आर। ऑप्शन नंबर ए में एस के बाद आर है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एस के बाद पी है। तो सबसे पहले इसको मार्क कर लें, यही तरीका है जल्द से जल्द आंसर को टिक करने का। अब उसके बाद बाकी सेंटेंस, बाकी पार्ट्स को भी हम जोड़ेंगे आपके सामने। तो शी हैड अंडरस्टूड फ्रॉम हर अर्लीएस्ट चाइल्डहुड, क्या? तो दैट गॉड हैड सेंट हर, किस रूप में? तो लाइक ए कर्स टू हर फादर्स हाउस। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया? सो सी विड्रू हरसेल्फ फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल एंड ट्राइड टू लीव अपार्ट। इस तरह से आप बड़ी आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं, जंबल आउट सेंटेंसेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बस थोड़ा सा आपको मेरे ट्रिक्स को, मेरे टिप्स को फॉलो करना है एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो आपका सही ऑर्डर हो गया एस आर क्यू पी, सी हैड अंडरस्टूड फ्रॉम हर अर्लीएस्ट चाइल्डहुड दैट गॉड हैड सेंट हर लाइक ए कर्स टू हर फादर्स हाउस, सो सी विड्रू हरसेल्फ फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल एंड ट्राइड टू लीव अपार्ट। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर फोर। लेट अस रीड पार्ट वन। एज दिस हंटिंग स्किल इंक्रीज्ड, एज जैसे जैसे, सो वैसे वैसे। आइए, आपका ऑप्शन नंबर क्यू, शो डिड हिज लव फॉर द हंट। ये सब ट्रिक है, ये सारे टिप्स को आपको ध्यान रखना होगा। एज दिस हंटिंग स्किल इंक्रीज्ड सो डिड हिज लव फॉर द हंट। आपका वन के बाद क्यू पहला हिस्सा आएगा और क्यू से आपके पास मात्र एक ऑप्शन है। फ्रेंड्स, समय नहीं गंवाना है, मार करके आगे बढ़ जाना है। आइए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों नंबर सी ही ऑप्शन होगा, क्यों पहला हिस्सा वन के बाद क्यों ही होगा। क्योंकि देखिए, एज का रिश्ता सो से बन रहा है। एज दिस हंटिंग स्किल इंक्रीज सो डिड हिज लव फॉर द हंट, टिल उस समय तक, टिल एट लास्ट इट वॉज एज इम्पॉसिबल फॉर हिम। क्या इम्पॉसिबल हो गया? टू पास अ डे विदाउट इट, यानी एस उसके बाद आ रहा है। किसकी तरह? एज नंबर आर, देखिए, एज इट इज फॉर द ओपियम ईटर, जैसा अफीमची के साथ होता है, टू फॉरगो हिज डेली पोशन, वो रोज की खुराक नहीं छोड़ सकता। सो राइट ऑप्शन आपका क्यू पी एस आर हुआ। फ्रेंड्स, आप ऑर्डर में सजा कर देख लें। सो एज दिस हंटिंग स्किल इनक्रीज्ड so did his love for the hunt, till at last it was as impossible for him
टू पास अ डे विदाउट इट एज इट इज फॉर द ओपियम ईटर टू फॉरगो हिज डेली पोर्शन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. लेट अस रीड पार्ट 1. People read and recite the Ramayana. People read and recite the Ramayana. Part B, Part P, which refers to those high ideals of human conduct. Which यहाँ रामायण पर रामायण की विशेषता बताने के लिए आ रहा है. ये पहला पार्ट हो सकता है 1 के बाद. हो सकता है. I did not say कि यही है. हमें एक एक पार्ट को एग्जामिन करना है. विद ग्रेट डिवोशन पीपल रीड एंड रिसाइट द रामायण विद ग्रेट डिवोशन. ये एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है कैसे पढ़ते हैं, तो पूरी श्रद्धा के साथ. ये भी आपका पहला पार्ट हो सकता है. नंबर आर, दैट एस्पेक्ट ऑफ इट्स ग्रेटनेस. ये एस्पेक्ट ऑफ इट्स स्टैंड फॉर रामायण. ये इसके बाद नहीं आ सकता है. नंबर एस, बट दे मोस्टली फेल टू एप्रिसिएट. अब आपको तय करना है कि पी लेना है या क्यू लेना है, क्योंकि जो भी आएगा 1 के बाद का हिस्सा, उसके बाद नंबर एस की बारी होगी. ये तय कर लेना है. तो आइए पी को पढ़कर देखते हैं. पीपल रीड एंड रिसाइट द रामायण विच रेफर्स टू दोज हाई आइडियल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. और तब आप विथ ग्रेट डिवोशन मैच नहीं कर रहा. इसका मतलब पहला हिस्सा नंबर क्यू होगा. विथ ग्रेट डिवोशन पीपल रीड एंड रिसाइट द रामायण विथ ग्रेट डिवोशन, यानी पहला हिस्सा आपका क्यू है. और ऑप्शन में देखें गौर से फ्रेंड्स, क्यू से आपका पहला एक ही ऑप्शन है, नंबर सी. इसको मार्क कर लें, उसके बाद देखें. आपको एग्जामिनेशन में इतना वेट नहीं करना. जैसे ही एक ही आंसर मिले फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन फर्स्ट पार्ट से, तो आप उसे मार करके अगले सवाल में बढ़ जाइए. पीपल रीड एंड रिसाइट द रामायण विथ ग्रेट डिवोशन बट दे मोस्टली फेल टू एप्रिसिएट. लेकिन वो अधिकांशतः असफल हो जाते हैं एप्रिसिएट करने में. किसे? तो दैट एस्पेक्ट ऑफ इट्स ग्रेटनेस. और उसके बाद फिर आएगा विच रेफर्स टू दोज हाई आइडियल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट दिस ग्रेट एपिक प्लेसेस बिफोर अस. राइट आंसर आपका नंबर सी हुआ. द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस विल बी क्यू एस आर पी. आप पढ़कर देख लें. नंबर 1, पीपल रीड एंड रिसाइट द रामायण. उसके बाद क्यू लाएं विथ ग्रेट डिवोशन. फिर एस को लाएं, बट दे मोस्टली फेल टू एप्रिसिएट. उसके बाद आर को लाएं, दैट एस्पेक्ट ऑफ इट्स ग्रेटनेस. देन यूज पी विच रेफर्स टू दोज हाई आइडियल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. और तब 6 को जोड़ दें, दैट दिस ग्रेट एपिक प्लेसेस बिफोर अस. इस तरह से फ्रेंड्स आप एकदम लगातार पढ़ें. 1 के बाद पी, पी के बाद क्यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद सी. और जहां भी देखे कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन, कोई ऐसा वर्ड एनाफोरा, आप उस आधार पर सिलेक्ट कर लें. एक ऑप्शन सही में वही होगा जिसमें पहला पार्ट होगा. यदि पहला पार्ट यानी पी चाहे क्यू जो भी हो उससे एक आंसर आता हो, तो उसके बाद अगले सवाल में बढ़ जाइए. यदि वैसा 2 ऑप्शन आता हो, तो फिर सेकंड सेंटेंस तक पहुंचने की चेष्टा कीजिए. और इस तरह से आप पी क्यू आर एस रीअरेंजमेंट का काम बड़ी आसानी से सक्सेसफुली कर सकते हैं. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने विचार देंगे, और साथ साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.